नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थितियों विस्तार से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक्स में से आज तक कौन कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं और किस एग्जाम में हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसका मैं पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन अपलोड किए थे और आज हम इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। मतलब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में आए हैं। ये सिर्फ राजस्थान की स्थितियों विस्तार से संबंधित इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉप है 50 क्वेश्चन का वीडियो रह जाएगा, जिसमें 25 का मैंने पहला बना दिया और ये सेकंड पार्ट है जिसमें पहले में आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फ्रेंड्स, ये आपके सभी एग्जाम मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये इसमें से क्वेश्चन किस एग्जाम में कितनी बार कौन से एग्जाम में है वो सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिमी व उत्तर दक्षिण देशांतरित तथा अक्षांश से विस्तार है। विस्तार पूछा है फ्रेंड्स इसमें, तो 8 डिग्री 47 और 7 डिग्री 9। ये कैसे, ये मैं आपको बता दूं, ये पटवार परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको देख लीजिए। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक तथा दक्षिण पूर्वी देशांतर गुणे 70 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 स्थिति है, यानी इसकी 7 डिग्री 9। देख सकते हैं आप कैसे 23 डिग्री 30 से 30 डिग्री 12 घटाने में कितना होता है, ये 7 डिग्री 9 और उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 47 कैसे 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, यानी राजस्थान को 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को राज्य को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। देख सकते हैं आप, ये आप समझ सकते हैं कैसे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है, ये आपको बताना है। राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है, ये आपको बता सकते हैं साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो फ्रेंड्स, कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पशुधन सहायक 2018 में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। तो आपने जिस व्यक्ति ने भी इसका एग्जाम दिया तो आप उसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें आया या नहीं आया। और ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में आ चुका है और ये RSRTC 2013 में भी आ चुका है। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो, 3 बार रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 4,850 किलोमीटर है। कितनी है, 4,850 किलोमीटर। पांच राज्य कौन कौन से, वो माफ कर देता हूँ, ये 5 राज्य कौन से हैं, पंजाब जिसकी न्यूनतम सीमा कितनी है 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सर्वाधिक कितनी है 1,600 किलोमीटर, वह गुजरात के साथ लगती है। 5 राज्य है जिनकी अंतर्राज्य के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में से किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। फ्रेंड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किसके लगती है, जैसलमेर के लगती है। और ये थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड, देख सकते हैं आप, पाकिस्तान की सीमा से राज्य के 4 जिले लगते हैं उत्तर से दक्षिण तक, कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर लगते हैं। और लंबाई की दृष्टि से इन जिलों का अवरोही क्रम बता देता हूँ, मतलब घटते क्रम में कौन कौन से, जैसलमेर की 464 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 किलोमीटर लगती है, गंगानगर की 210 किलोमीटर एवं बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है। यह सीमा रेखा श्री गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट नामक के गाँव से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, बाड़मेर जिले के सागढ़ के निकट मल गाँव तक है। पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी होती है, 1,017 किमी लंबी है, जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। कितनी लगती है, 1,017 किमी की लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम क्या है, ये आपको बताना है। राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर, दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं क्या है उसका, मध्य प्रदेश है। और ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है, 870 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण की और ये पूर्व पश्चिम पूछी है, तो कितनी, 870 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, 870 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण के मध्य कितनी है, 826 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, ये परिचालक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। और ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ये पूछा गया है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना, ये पूछा है, उत्तर से दक्षिण का और पूर्व से पश्चिम का अंतर पूछा है। फ्रेंड्स, तो कितना है, 43 किलोमीटर, ये अनुवेचक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। और मैं बता देता हूँ कैसे, ये राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, 869 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, 826 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं 869 में से 826 घटाने कितना है, 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर,
तो इसका सही आंसर रहेगा 43 किलोमीटर, अन्वेषक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ये आपको बताना है। राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, किसके, पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ, और ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में, पटवार 2011 और आरएस प्री 1998 में पूछा जा चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तीन परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है, तो कितनों, पाली, कितने जिलों को स्पर्श करती है, पाली की है, मैं आपको बता देता हूँ कितने जिलों को स्पर्श करती है। ये स्कूल व्याख्या था 2016 में, JVNL 2013 में, और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और पाली जिले की सीमा अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर, कुल 8 जिलों के साथ को स्पर्श करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है, ये आपको बताना है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो किसके बराबर है ये, लगभग जर्मनी के बराबर, और ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 342,239 किलोमीटर है, जो कांगो रिपब्लिक है 342,000 वर्ग किलोमीटर, फिनलैंड का 337,000 वर्ग किलोमीटर, तथा जर्मनी का 357,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग बराबर है। तो किसके लगभग बराबर है, जर्मनी के लगभग बराबर है, और ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, तो जोधपुर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, और ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व श्रीगंगानगर में से कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो बीकानेर है फ्रेंड्स वो, और ये खनिज विभाग पुलिस फोर्स 2013 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये खनिज पुलिस विभाग पुलिस फोर्स 2013 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा, वो आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर है, और ये राजस्थान पुलिस 2011-07 में पूछा जा चुका है, कृषि पर्यवेक्षक 2012 में, सेकेंड ग्रेड शिक्षक उर्दू संस्कृत गणित में पूछा जा चुका, और JVNL परीक्षा 2013 में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं क्वेश्चन कितने एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, जो 3,840 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तथा सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जो 3,030 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसलमेर राज्य के सबसे छोटे जिले धौलपुर से 22.66 गुना बड़ा है, और ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक 2016 में और पटवार 2019 में पूछा जा चुका है कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो कितना गुना ये बता दिया है, ये प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2016 में और पटवार 2009 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, फ्रेंड्स आप सभी को पता है पहला स्थान है, और ये पटवार परीक्षा 2011 में और हॉस्टल वार्डन 2008 में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में विषमकोणीय चतुर्भुज आकृति रूप में स्थित है, तथा राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, कितना है, 10.41%। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा तो इसे लाइक जरूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, तथा सामने की बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो चुके हों। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हम रोजाना सुबह रोजाना पाँच बजे हम करंट अफेयर की लाइव क्लास करते हैं, जो आपके जितने भी एग्जाम है सभी में ये वीडियो काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, किस राज्य से मिलती है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आप फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या रहेगा, मध्य प्रदेश। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, मध्य प्रदेश। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में, BSTC 2017 में, सेकेंड ग्रेड शिक्षक उर्दू परीक्षा 2010 में, और राजस्थान SI परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी 1600 किलोमीटर अंतर राज्य सीमा मध्य प्रदेश के साथ, वह सबसे छोटी 73 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा
पंजाब के साथ लगती है, किसके साथ है, पंजाब के साथ, पंजाब के साथ 69 किलोमीटर। और राज्य के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्य सीमा सर्वाधिक लंबी है, राज्य के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्य सीमा सर्वाधिक लंबी है, सर्वाधिक लंबी है जो मध्य प्रदेश से मिलती है, जबकि बाड़मेर जिला सबसे छोटी, बाड़मेर जिला सबसे छोटी अंतर्राज्य सीमा बनाता है जो गुजरात से मिलती है, कहाँ से, गुजरात से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, राजस्थान राज्य कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, लगभग कितना है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। ये जीएन सिविल 2016 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में, पटवार परीक्षा 2013 में, सेकंड ग्रेड शिक्षक अंग्रेजी 2010 में, ग्राम सेवक परीक्षा 2018 और आर्यन प्री 2003 में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी एक बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको बस यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रत्येक राजस्थान के जितने भी टॉपिक है प्रत्येक टॉपिक से मैं आपको यही क्वेश्चन करवाऊँ कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये लगभग लगभग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है जरूर देखें। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा मैं लाइब्रेरी की भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, लाइब्रेरी के भी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के दोनों की भी अपलोड करता हूँ, जिसमें एक में कंप्यूटर से संबंधित और लाइब्रेरी से संबंधित है, दूसरे में राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फ्रेंड्स आप वो भी हमारी वीडियो से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, कौन सा है वो, धौलपुर। और यह अनुवेशक 2016 में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड शिक्षक संस्कृत व उर्दू 2010 में पूछा जा चुका है और ईओ 2008 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। फ्रेंड्स चार ऑप्शन आपके सामने बता सकते हैं, तो कौन सा है, उदयपुर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, उदयपुर ही हो रही है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, थर्ड ग्रेड में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्र पर लगभग 7.96% अंश रखता हो, यह आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा है, कितना होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% रखता हो, तो यह आपको बताना है। तो कितना होगा ये, लगभग 27,244 वर्ग किलोमीटर होगा, ये पटवार परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप ध्यान रखना इसे। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है वो आपको बताना है, कौन सा जिला है राजस्थान का, कौन सा जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है, कौन सा है, श्रीगंगानगर व बाड़मेर। यह राजस्थान पुलिस 2007 में, PRO 2004 और जनरल एग्जाम 2004 में पूछा जा चुका है, गंगानगर और कौन कौन से, बाड़मेर, ये दो जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है आपको बताना है, कितनी है फ्रेंड्स, स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर और ये मोटर व्हीकल SI परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका है, इसमें SI परीक्षा 2002 में। फ्रेंड्स राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5,920 है, जिसमें अंतर्राज्य सीमा की लंबाई कितनी है पूछ लिया जाए तो अंतर्राज्य सीमा की लंबाई कितनी है, 4,850 किलोमीटर था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1,070 किलोमीटर है, कितनी, 1,070 किलोमीटर, टोटल कितनी है, 5,920 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई और ये अंतर्राज्य साथ कितनी है, 4,850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1,070 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा, ये आपको बताना है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कौन सा है फ्रेंड्स, ये जोधपुर है, कौन सा, जोधपुर, जो RS परीक्षा 2000 RS प्री 2003 में पूछा जा चुका है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन है, जोधपुर है। फ्रेंड्स मैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पांच बड़े जिले बता देता हूँ आपको, राज्य के घटते क्रम में बताऊँगा, जैसलमेर पहले नंबर पर, कौन सा, जैसलमेर सबसे बड़ा, मतलब ये कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर में है। फिर आता है बीकानेर, ये कितना होगा, ये 30,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर आता है बाड़मेर, क्या, बाड़मेर ये कितने में है, 28,387 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर आता है जोधपुर, ये कितने में है, 22,850 वर्ग किलोमीटर में। फिर आता है नागौर, कौन आता है, नागौर, ये है 17,118 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, किसमें, 17,118 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का दूसरे से बड़ा शहर कौन सा है, ये कौन सा, ये जोधपुर है और ये किसमें पूछा जा चुका है, RS प्री 2000
तीन में पूछा था स्कोर। फ्रेंड्स ये मैंने ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पांच बताए हैं, आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पांच जिले बताए हैं, जबकि सबसे बड़ा शहर कौन सा, दूसरा जोधपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के साथ है सर्वाधिक निकट है, यह बताना। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है, कौन सा है, गंगानगर है, और यह आरएसपी 2003 में पूछा जा चुका है। राजस्थान के चार जिले फ्रेंड्स, चार जिले कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो गंगानगर है जो 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। फिर आता है बीकानेर, ये कितनी बनाता है 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर आता है जैसलमेर, ये कितनी बनाता है 464 किलोमीटर हुआ। फिर आता है बाड़मेर, ये कितनी बनाता है 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाते हैं, जिसमें गंगानगर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर है, वह बीकानेर सर्वाधिक दूर शहर है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आया कि सर्वाधिक दूर शहर कौन सा है, बीकानेर, कौन सा बीकानेर, और ये आर एस परी 2003 में भी पूछा जा चुका है। तो अब हमारा क्वेश्चन था राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है, तो कौन सा है, गंगानगर है, ये आर एस परी 2003 में आया है, और दूर भी पूछा है, ये कौन सा है, बीकानेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है कौन सा, वो आपको बताना, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह है कौन सा। फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा है वह जैसलमेर, और ये आर एस परी 2010 में पूछा जा चुका है, आर एस परी 2010 में पूछा जा चुका है, और इसका सही आंसर है जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है, ये आपको बताना है, कौन सा जिला रखता है, आप जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स, कौन सा जिला रखता है, सिरोही, और ये पटवार परीक्षा 2008 में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा सिरोही जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.50% है, तथा सिरोही जिले की जनसंख्या कुल कितनी है, राज्य की कुल जनसंख्या का 1.51% है, कुल संख्या 1.51 और कुल क्षेत्रफल 1.50 रखता है कुल राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, यह आपको बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो किस जिले में, श्रीगंगानगर, और ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स अब बात आती है सीधे किरणों की, ये तो तिरछी किरणों की बात है, तिरछी किरणों की, अब बात आती है सीधी किरणों की, तो सूर्य की सबसे सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है, बांसवाड़ा में, सत्ता तिरछी किरणें ये गंगानगर में पड़ती है, किस जिले में, गंगानगर जिले में। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फ्रेंड्स मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि हम आपके लिए कौन से किस समय आपके लिए लाइव क्लास का समय रखें। और हमारा 5 बजे रोजाना करंट अफेयर का वीडियो आता है, और मैं लाइब्रेरी की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और मैं राजस्थान पुलिस की भी 25 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का वीडियो, हमने इसमें टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आपको यह भी बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, मतलब कितने क्वेश्चन आ रहे थे, वो भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।